हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे चिली इडली। रेगुलर इडली सांभर से हटकर ये एक इनोवेटिव कॉम्बिनेशन है और बनाने में बहुत आसान है। इसके लिए हम एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे फाइनली चॉप लहसुन 1 टीस्पून, 1 टीस्पून फाइनली चॉप्ड अदरक और इन्हें सॉटे कर लेंगे। और अब डालेंगे 2 हरी मिर्च, 2 प्याज थोड़े बड़े साइज में कटे हुए, 1 शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च। और अब हम इसे भूनेंगे हाई फ्लेम पर 40 से 50 सेकेंड तक। चाइनीज़ कुकिंग हाई फ्लेम पर होती है, इससे अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए हमें इन वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पर भूनना है। और अब हम इसमें डालेंगे सॉसेस, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस और 1 टीस्पून सोया सॉस। मेरे पास डार्क सोया सॉस है इसलिए मैंने कम डाला है। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर। सॉसेस को मिला लेंगे वेजिटेबल्स के साथ। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि ऑलरेडी सॉसेस में बहुत नमक होता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी। पानी इसलिए डालना है ताकि सॉसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ये हमारा सॉस रेडी है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन। तो ये है इडली। इडली को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। एक इडली को 4 पीसेस में काटना है और इसमें डाल देंगे सॉस में। और हल्के हाथ से हमें इसे टॉस करना है। हल्के हाथ से करना है क्योंकि इडली टूट सकती है। और साइड से हम टॉस करेंगे तो 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। अब ये हमारी इडली रेडी है। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर स्प्रिंग ऑनियन स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी तिल। ये हमारी चिली इडली एकदम रेडी है। बहुत कम टाइम में रेडी हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी को शेयर कीजिए और इस वेरिएशन को ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।